हमारे साथ रेल मंत्री, आईटी मंत्री और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव सर हैं। सर देखिए, स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और बतौर रेल मंत्री के आपकी देखरेख में स्टेशन बना है। क्या आपने सोचा था कि इतनी तेज गति से स्टेशन बन जाएगा और समय पर बनकर तैयार हो जाएगा सर, जैसे मंदिर तैयार हो गया? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी के टाइम में जो फाउंडेशन स्टोन वो ले करते हैं उसका इनॉग्रेशन भी करते हैं। ये स्टेशन भी उसी कड़ी में है। देश भर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तेजी से, जिस मेटिकुलसली वो मॉनिटर करते हैं, तो उसमें स्टेशन बनना ही था। और जैसे राम मंदिर बन गया, स्टेशन बन गया, जिस हाईटेक टेक्नोलॉजी में ये स्टेशन बना है, वैसे ही अमृत भारत, क्या आपको लगता है कि अमृत भारत ट्रेन एक रेवोल्यूशन लाएगा अफोर्डेबल रेल ट्रैवल के लिए सर? बिल्कुल, अमृत भारत ट्रेन बहुत अच्छी एक स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी पे बनी है। देखो, दो टेक्नोलॉजीज होती है, अमृत भारत पुश पुल टेक्नोलॉजी पे बनी है, वंदे भारत डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के टेक्नोलॉजी पे बनी है। आज दुनिया की ये दोनों बड़ी टेक्नोलॉजीज भारत में अपने ही इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन की हुई है, और ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है कि इन दोनों इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज को देश ने मास्टर किया है। और इसमें बहुत सारी जो कोच वाली ट्रेन की प्रॉब्लम्स होती थी, जो जब गाड़ी स्टार्ट होती थी या रुकती थी, तब आप नोटिस करते थे जब कोच वाली गाड़ी होती है, खटखट 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 करके एक आवाज आती है और एक झटका सा आता है, वो सब इसमें फिनिश हो जाता है। टॉयलेट्स की डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से नए डिजाइन किए हुए हैं, दो एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए फुल्ली कवर्ड वेस्टिब्यूल्स है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की बनी है। देश भर में पैसेंजर ट्रैवल आगामी वर्षों में टोटली चेंज हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, टेक्नोक्रेट तो आप हैं ही, लेकिन राजनीतिक सवाल भी करूंगी, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है सर, और अब आगे जाकर कितना जनता किसको एक्सेप्ट करेगी सर, कितना एक्सेप्ट करेगी सर, जनता कितना एक्सेप्ट करेगी स्टेशन की डेवलपमेंट, राम मंदिर की डेवलपमेंट? बहुत उत्सुकता है, सभी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी इसको ये तो बड़ा प्रश्न ही अजीब है। डेफिनेटली लोगों ने तो बहुत पसंद किया इसे 2024 में सर। अच्छा, तो अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ थे और बता रहे थे किस तरीके से राम मंदिर के बाद भी अब आगे चलकर 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा डेवलपमेंटल पुश मिलने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ जो स्टेशन बना है अयोध्या धाम, इसके आगे भी और कई स्टेशन्स के निर्माण होने वाले हैं, और निश्चित रूप से आने वाले 2024 में भी इसके परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे।